अस्सलाम वालेकुम। आज तो जनाब बच्चे लेने का जो काम है जारी सारी है। आज रात से काफ़ी सारे बच्चे पैदा हो चुके हैं, अभी चल गए ना अंदर तो इन कुछ देखते हैं गिनते हैं कितने हैं। दिन को मेरे रात को कोई बच्चे शायद पैदा हुए थे 6 या पता नहीं कितने। एक डिलीवरी अभी हो रही है, ये देखें बाहर आ गया। मुंह काट लो थोड़ा, लाओ थोड़ा, आराम। चलो बस ठीक हो गया, थोड़ा और ला लो, थोड़ा जा ठीक हो गया। पैड अबू बकर एक नहीं दो तीन रखा करो, क्योंकि अब छाल मारते थले भी आ जाते हैं, अगर नाड़ू थले ला गया ना तो काम खराब हो जाने। एक बार चेक कर ले, डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं जी। है वे ये वाली काफ़ी कमज़ोर बकरी थी, इसका ज़रा था, लेकिन बच्चे इसने दो तो सेहतमंद पैदा कर दिए हैं। 3 किलो के लगभग एक का वज़न होगा और तीसरा बच्चा भी जो है ना इसका ये बाहर आ गया, ये तीसरा बच्चा भी उसी वेट का ही है। तीन बच्चे इसने डिलीवर करके वो भाग गई है, डिलीवरी करके भाग चुकी। अब ये बच्चे को झूला दे रहे हैं, इसके बाद इसकी सफाई करेंगे। ले ली वो दो, ले लिए कि ले ले, चलो नाक साफ करो, सुबह पहले तौलिया जल्दी जल्दी ना, अब बकर नाक साफ कर। आप मुझ का भी ध्यान रखियो, सह लैन कोई मसला तो नहीं आ रहा, क्योंकि अज तक बोलिया कोई नहीं। आओ अच्छा, जब बोलिया फिर ठीक। अच्छा ये दो ले लिया, एक ले ली थोड़ी जी कमज़ोर है ना, वाल फटने आ रहे जी। आज ये 3 बच्चे एक बकरी अभी दिए हैं, कुछ बच्चे ये आ चुके हैं रौनके लागी हैं। ये हैं 1 2 3 4 5 6 ये 7 8 9, यही कल रात से लेके अभी तक 9 बच्चे पैदा हो चुके हैं। तफसील अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं जब ये वेले हो जाएं, क्योंकि इन्होंने अभी नाड़ू काटा जी, क्लस्टरम पिलाया, टैग लगाया और उसके बाद जो है वो क्या क्या प्रोटोकॉल दिए हैं वो सारी चीज़ें ना इनसे भी पूछते हैं। कमर्स एक बकरी ने तीर ने नर दिए थे पट्ठे ही ना, ये लगते हैं तीन ये वाले पैटर्न एक जैसे ही, उसे 3 नर दिए थे, चौथा भी उसका था लेकिन वो डेड था, मतलब पूरा बना ही नहीं था शायद कंपनी।
तफसील डॉक्टर साहब से पूछते हैं पिछले बार। ये डॉक्टर साहब फारग हो गए हैं, अब इनसे तफसील पूछते हैं। डॉक्टर साहब कितने बच्चे पैदा हुए ने रात को लैके हूँ तक? माशाल्लाह सर जी 12 बच्चे साढ़े जोड़े ने पैदा हुए ने, हूँ आए 3 मिला के। अच्छा, तो जिन्हों में साढ़े जोड़े ने 3 जो दो तो स्टिल बर्थ हुई ने, एक सेड़ा सी अंडर ग्रोथ सी, पूरा ग्रोथ नहीं सी हुई हुई अभी। जिन्हें 3 नारा दिते ने, हाँ जी वो चौथा वो नाल सी। हाँ जी चौथा वो नाल सी। अच्छा, तो वो डेड हुई है। तो एक जी बकरी है सामने वो इन्हें किन्ने दिते सर? 3 दिते सी। अच्छा, एक तो वो अंडर ग्रोथ सी, दूसरा जोड़ा सी वो डेड सी, फीमेल सी। वैसे बनया पूरा सी? हाँ जी पूरा सी। एक एक जोड़ा फीमेल है, फीमेल है। हाँ जी ये बच गई। हाँ जी वो है फीमेल है। जो 3 नर कट्ठे पैदा हुए के ने? ओ दो ने? है काला तो दो। अच्छा, काला भी आ गया। ठीक है, दो फीमेल ने। ओ फीमेल भैणा ने। अच्छा, यानी कि हम किन्ने लाइव ने इस टाइम? इस टाइम साढ़े को जी 9 12 पैदा हुए सन, दो स्टिल बाल सन यानी कि पूरे बने नहीं सन, एक डेड पैदा होया। एक नहीं सी बनया होया, दो स्टील बाल पूरे बने हुए थे लेकिन डेड थे। दो स्टील बाल बने सन। ठीक है, एक नहीं सी बने। हाँ जी ठीक है, डिफॉर्म सी। हाँ जी डिफॉर्म। इस टाइम हम 9 ने, दो मादियाँ पहले मरिया सन, 4 बकरियाँ सन, ऐसे 4 विच 9 आ गए। हाँ जी, यानी कि एवरेज फिर 2 ना उत्ते ही है। 2 दिया मतलब सवा दो ज़्यादा नहीं लेकिन साढ़े ये मोर्टैलिटी है ना, सवा 2 दिया। एवरेज ठीक है, एवरेज 2.5 दी हो गए तो बेस्ट होंगी। हाँ जी 1.5 नहीं अच्छा मंदिर है लेकिन 2.5 बेस्ट है। एवरेज देखी जाए तो ठीक चल रहा है। हाँ जी लेकिन सर्दियों बड़ा इशू होता है जना अन्नी मेहनत के बावजूद ना नहीं हम साढ़े कंट्रोल में लेकिन कुछ नहीं, बकरियाँ जंजी चलता है अपना 7वां साल वेखदे आ ना जंजी होता है। इस बच्चे की जुबान थोड़ी बाहर निकली है, ये जो जमे उन्होंने इदा ही है कई की जबान अगर बाहर रहे ना तो फिर अंदर नहीं आती, जख्मी हो जाती है। दुध पीता होना रेस्ट चलो। यानी अखा सही ने? हाँ जी मिट्टी तो नहीं लगी अखा से? मिट्टी लगी कि नहीं? रंग हमने तो अभी रह नहीं दिता उन्होंने। अच्छा चलो ठीक है, अभी थले सीटा मसा लिया, सीटा उत्ते चुक के ला नहीं खाते। ठीक है, ला भी टाइम बाल्ट पा देते। उधर क्योंकि पंखा लगा हुआ है और ये जो पिंजरे पंखे के नज़दीक है, ये इन बच्चों को ना इस पिंजरे में रखने लगे हैं जो कि थोड़ा दूर है ना, क्योंकि ये बच्चे जो पैदा हुए हैं अभी बिल्कुल छोटे हैं और हल्का हल्का कांप रहे हैं। रील में एक जो है ना फीमेल, वो इसके बाल भी थोड़े से ना पूरे नहीं हैं, तो इसलिए उनको ज़रा इधर करने लगे हैं शिफ्ट ताकि उन्हें हवा ना लगे। बाद वो छोटे बच्चों को ना हल्की सी हवा से भी ना निमोनिया हो सकता है। शीट्स जो हैं वो लेके चले गए धोने के लिए, धो के जल्दी जल्दी धूप में रखेंगे क्योंकि 2 बकरियां मजीद कह रहे हैं उन पे डाउट है कि वो भी आज ही बच्चे दे देंगी ना। तो हर एक बच्चे की पैदाइश के बाद जो मैट है उसको धो के सरफ से अच्छी तरह फिर धूप में डाल दिया जाता है। ये देखिए जो इनका पहला स्टूल होता है ना, ये अब मैंने कह दिया इन्हें कि जब ये स्टूल करें बच्चे तो उसी वक्त पानी डाल के ना ब्रश ये साफ़ कर दो, जाए इसके कि बच्चों के जिस्म को ये लगे तो ये फिर गंद पड़े ना, इससे मक्खियाँ भी इसके आएंगी। फिर इस मादा को ना वैसे साइंटिफिक लैंग्वेज में ना मिकोनियम कहते हैं, जो मादा जानवर होते हैं ना ये बच्चे देने वाले उनके जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको क्योंकि जहर के जरिए खुराक मिलती है तो उनके फिर पेट में से ना पहली बार इस तरह का वाद बाहर आता है पैदाइश के बाद। अब ये देखा उसके साथ ही आके बैठ गया, हो सकता है थोड़ा सा गंदा हो जाए ना, फिर इसको भी साफ़ करना पड़ जाए। अच्छा पिंजरे की जो छत है इस पर
हमने जाली नहीं लगवाई ना कि क्या फ़ायदा लगवाने, तो यकीन करें कि कवे ऊपर से आके नहीं इनके खुर खाना शुरू हो गए। तो ये सोच रहे हैं ऊपर को कपड़ा लगा दें और फिर किसी तरीके से वेंडर से ना जाली लगवा दें ऊपर। अब ये फ्लोर का जो है ना पैंदा, ये थोड़ा प्लेन है ना, अब ये स्ट्रगल कर रहे हैं उठने में, ये देखें, तो इसलिए हम भी इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि इस तरह जो है ना ये एक्टिव हो जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, जिस्म काम करेगा, बॉडी हजम होगी, ये भी इनके लिए बेहतर ही है। जो नए तीन बच्चे पैदा हुए हैं इनको पंखे से दूर रख दिया और ऊपर कंबल तौलिया दे दिया ना, ये थोड़े कांप रहे थे ना, अब वैसे बेहतर लग रहे हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो इनके पाँव देखे नीचे से ना गोल होते हैं, देखें मतलब कोई इतने बने हुए पैर नहीं होते, जब ये चलते हैं ना तो ये थोड़े बहुत घिस के ना तो ये ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमें हर एक माह बाद या ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ दो माह बाद अपने सारे जानवरों के पाँव लाजमी तौर पर देखने चाहिए, हल्की फुल्की ट्रिमिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये पाँव इनके मुसलसल बढ़ते रहते हैं, पर अगर ये हम टाइम से इनकी ट्रिमिंग ना करें, केयर ना करें ना, तो फिर बकरियाँ ख़राब हो जाती हैं, इनके खुर अगर डिंगे हो जाए ना तो फिर जोड़ भी डिंगे देते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, फिर बकरियाँ किसी काम की नहीं रहती। देखें ना ये बच्चे चंद घंटे पहले एक ख्वाबो ख्याल की दुनिया में थे, इनकी कोई सोच नहीं थी अपनी बकरी के अंदर देना, अब देखें ये खुद बाहर आ गए हैं और अब ये फील कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, दिल के धड़कन बकायदा इनकी शुरू हो गई है, इन्होंने बाहर से एक्सटर्नल जो खुराक लेना शुरू कर दिया, यानी बोली पी ली है, अब ये मुख्तलिफ तरीके से सोच रहे हैं, देख रहे हैं हम किधर आ गए हैं, अब कह लें कि ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से बाहर आ चुके हैं। हम इंसान भी इसी तरह ही हैं, हमें कोई होश नहीं होती जब तक हम डिलीवर नहीं होते दुनिया में, हम कहाँ पे हैं, उसके बाद फिर फील करना शुरू करते हैं, सबसे पहले तो बाहर आते ही रोते हैं हम आ कहाँ गए, और फिर अल्लाह की सारी ज़िंदगी रोते गुजर जाती। डॉक्टर साहब बुरा शुरू पानी लेके आ गए, पहले बच्चे ने चुक के परा कर दिया, उठे बह गया जी, सारा नहीं बैठा, ऐ साइड दी थोड़ा जा, अब डॉक्टर साहब जनाब मकोनियम को क्लियर कर देंगे, डॉक्टर साहब मैंने मकोनियम ही कही था ना, मैंने चैट GPT भी पढ़े है अब ये परे हो गया जी, मेरा दिल एक बार यार ये लता ही सही कर, पर आधा घंटा हो गया खिलड़ी है, खोल लेते हैं, ये यहाँ सफाई होगी, वही मेरे हिसाब ना जना ना पानी सरफ वाला होना चाहिए, हाँ सरफ हो जाए ज़्यादा बेहतर है। मकोनियम साहब तो नीचे ग्राउंड पे तशरीफ ले गए कैट बकरी आके तंग करने लग पड़ी, ये जो बच्चा है ना हल्का हल्का ना अभी थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा कांप रहा है, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा, तो मेरा दिल है कि इसे कम अभी भी ना एक दो घंटे ना लपेट के रखवा देते हैं ताकि इसको पूरी हीट मिले, इसके थोड़े से बाल भी कम हैं। इसकी ज़ुबान थोड़ी सी बाहर है, इसने मुँह से ना दूध पिया ना जाग भी नहीं कर रहा था, इन्हें मुकम्मल तौर पर ना मैं कहना मलेट दो, ऐसे दूजे ने भी थोड़ी जी ठंड लग रही लेकिन इन्हें ज़्यादा, चलो बस ठीक है, इसमें तौलिया भी छोटा है ना थोड़ा जहाँ, कुत्तों की जगह तो खाली होगी बेचारे, वो तो हो गए
ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅੱਛਾ 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 ਨੀਚੇ ਬਾਜ਼ੂਕਾ ਜਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਨਕੇ ਬਾਜ਼ੂਕਾ ਨਾ ਜਾਲੀ ਚੁੱਭ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਚੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਟਾਈਲ ਰੱਖੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਲ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿ ਟਾਈਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਨਕੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸਭ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਲੋਰ ਹੈ ਜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਲੋਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਖਰਗੋਸ਼ੋਂ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਭੀ ਹਮਨੇ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ਲ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਮੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਲੋਰ ਲਗਾ ਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਬਸ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰੱਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਾ ਕੰਮ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸਮੇ ਫਿਰ ਹਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਜਦੀਦ ਕੇਜ ਹੋਤੇ ਹੈ ਯੇ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਹਨ ਵਹੀ ਕੇਜ ਹੋ ਵਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਲੋਰਿੰਗ ਹੋ ਵਹੀ ਫੀਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਆਟੋ ਫੀਡਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸਮੇ ਪਾਣੀ ਆਟੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸਮੇ ਆਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਵਾਰ ਹੈ ਤੋ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਪਿੱਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਸਕਾ ਕਾਮ ਇਧਰ ਅੱਜ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਬ ਜਾਲੀ ਲਗਾ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਬ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਅਬ ਜ਼ਰਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੇ ਵੀ ਨਾ ਯੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਇਧਰ ਦੇਖੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਂਕ ਭੋਂਕ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਵੈਸੇ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂੰਘ ਲੈਣਾ ਉਸੇ ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੁੰਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਹਮਨੇ ਅਸਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨਾ ਇਸਕਾ ਤੋ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯਹਾਂ ਪਰ ਨਾ ਹੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਾ ਟਰਾਇਲ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਕੱਲ੍ਹ ਹਮਨੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਮੈਨਿਊਰ ਸਪਰੈਡ ਕੀਆ ਥਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਆਜ ਇਸਮੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਕੋ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਚਲੇ ਅਖਬਾਰ ਕਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਵਾਰ ਲੇਕਿਨ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਆਜ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਮੈਂ ਜੀ ਜੋ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਮਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਆਤੇ ਜੀ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਹਰ ਸਾਲ 80,000 ਸੇ 1,00,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਾਟਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਤਨੋ ਕਿ ਲਾਸ਼ੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 2023 ਮੈਂ 3160 ਬੰਦੋਂ ਕੀ ਲਾਸ਼ੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜੀ ਹੋਈ ਤੀ ਮੁਰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਨਦੀਮ ਪਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਐਂਗਰੀ ਯੰਗ ਮੈਨ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਤੋ ਫਨਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਕੇ ਸਟੈਟਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਨਾਸਾ ਕੇ ਐਸਟ੍ਰੋਨਾਟਸ ਹਲਾ ਮੈਂ ਫਸ ਗਏ 8 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਲਈ ਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ 8 ਮਾਹ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗੇ ਤੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬਿਜਲੀ ਕੇ ਬਿਲੋਂ ਸੇ ਤੋ ਇਨਕੀ ਜਾਨ ਛੁਟੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਰਕਬਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦੇਖਣਾ ਥਾ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਸਾਥ ਚਲੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀ ਬੈਟਰੀ ਕਮ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜਰ ਤਾਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਚਾਰਜਰ ਲੈਣੇ ਗਏ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਹਾਂ ਕੇਬਲ ਲਗਾ ਦੀ ਲਓ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 70,000 ਦਾ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਘੱਟ ਦੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਜੀ ਕਚਰਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਫੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੀਆਂ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਟ ਹੋਇਆ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਲਈ ਲਿਫਟੀ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਫੁੱਲ ਰਵੇ ਗੱਡੀ ਇੰਜ
ਕਿਧਰੇ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਚਰਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ? ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ? ਵੈਸੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਹਾਲਤ ਨੂੰ, ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਰਮਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰ ਜੀ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਕਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਤਗੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਹੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੋਖਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਐਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਮ ਐਂ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ 95% ਮਰਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦੇ? ਬੇਲਾ ਲਹਿਰ ਰਕਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਨ ਫੁੱਲ ਬਣਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਬੀ ਸਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ, ਦਰਿਆਈ ਸਾ, ਖੁੱਲੇ ਰਕਬੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਬਾ ਇਸ ਡਾਊਨ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਜ਼ਰਈ ਰਕਬੇ ਕੇ ਤੌਰ ਪੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਵੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਖਾਰੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਅਨਵਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤਾਂ ਨਗਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅੱਠ ਸੱਠੀ ਰਾਤ ਕੇ 8 ਵੱਜ ਗਏ ਔਰ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ 8 ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੂ ਪੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਘਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ? ਗਿਣਨੇ ਸਰ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਜੀ ਅੱਜ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਜੀ 10 16 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਠਾਂ ਚੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾ ਕੇ 8 ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਵਲ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਮੈਂ? 14 16 ਬੱਚੇ ਹੈ, 16 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਗਈ। 16 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, 8 ਬੱਕਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ? 8 ਹਾਂਜੀ, 10 2 ਆ ਨੇ, 8 ਇੱਧਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਜੀ। 25 8 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਈਆਂ, ਅਭੀ ਤੱਕ 16 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਰੈਡ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕਈ ਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ। ਪੱਚੀ ਬੱਕਰੀਆਂ, 2 ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 50 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, 16 ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ 66 ਹੋ ਜਾਏਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ 50 ਕਾ ਥਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਥੀ ਮਾਰੀ ਆਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਆ ਸੂਟ ਚੱਲ ਬਣਦੀ ਉਹ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ।
कल फिर चल देखते कल कितने बच्चे आते हैं। हमें इजाज़त अल्लाह।